प्रणाम साथियों, मैं सुखांतो देवनाथ त्रिपुरा से हूँ। जैसे हम बकरी पालन करते हैं, 7-8 साल हो गया, ज़्यादा हो गया, और मैं आगे भी करूँगा। बहुत भाई लोग बोलते हैं मेरा बकरी लाया है उतना फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो मैं उन लोगों को बोलता हूँ आप बकरी पालन करने से पहले कुछ जानकारी रखिए, और नहीं होता तो यूट्यूब पे आप सर्च करिए और मेरे वीडियो भी देख सकते हैं, नहीं तो दूसरे का भी वीडियो देख सकते हैं, उससे नॉलेज आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। तो बकरी पालन पहले आपको ग्रीन फीड फार्म पे होना ही होना चाहिए। कितना आपको जितना भी बकरी है, कम से कम 10-15 बकरी है, तो आप चना खिलाओगे, मक्का खिलाओगे, खाजू भी खिलाओगे, तो आपका बकरी बकरी रहेगा, वो इंसान नहीं होगा। तो बकरी को ग्रीन फीड ही खिलाइए, नहीं तो सूखा चारा जो बोलते हैं वो सूखा चारा खिलाइए। उससे बकरी से हम पैसा कमाने के लिए आया हूँ, और मैं बकरी से कैसे पैसा आएगा उसी में सोचता हूँ, और कैसे उसको ठीक रहेगा और क्या देने से उसको जो बॉडी ग्रीन है, मतलब बॉडी वेट है, वो भी ठीक रहेगा। उस तरह से आप बकरी पालन करने से आपका नुकसान नहीं होगा। बहुत लोग बोलते हैं ग्रीन फीड मेरे पास जायगा नहीं है। अरे जायगा नहीं है तो क्या, कहीं जगह पे आप थोड़ा बहुत 1 साल के लिए ले लीजिए, उसमें आपको कितना रुपये लगेगा, उससे ज़्यादा आपको ग्रीन फीड आप उगाओगे तो आपको फ़ायदा होगा। और 1 किलो मक्का का कीमत कितना है, 1 किलो बाजरे का कीमत कितना है, तो ग्रीन फीड पे रहोगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और ग्रीन फीड के अलावा आपको कुछ भी खिलाइए, सूखा चारा है, मौसम के अनुसार जो जो चारा होता है वही उगाइए, और मौसम के अनुसार सूखा चारा भी रखना चाहिए फार्म पे। जैसे बारिश का टाइम हो गया तो आप कहाँ से इतना ग्रीन फीड लाओगे। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ सब भाई लोगों को, दिमाग लगाइए, थोड़ा फार्म आगे बढ़ेगा। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था जो बकरी बच्चा दिया है 15-16 दिन के अंदर मैं अलग कर देता हूँ। देखिए ये 2 बच्चे दिए हैं, 16 दिन हो गया मैं उसे अलग कर चुका हूँ, और अभी भी दूध पिला रहा हूँ। वो तीनों टाइम मैं दूध पिलाते रहूँगा, और जब तक उसका माँ 10-12 दिन में हीट में आएगा तो मैं पता है 100% ये हीट में आ जाए। इस वीडियो से कुछ हेल्प हुआ आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और वीडियो इतना क्लियर नहीं समझ में आएगा, मैं हिंदी ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, और क्लियर भी दिखाई नहीं देगा। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।